told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay. हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ इंटरेस्टिंग सा मैं आज शेयर करने वाली हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि जब हमारा घर पूरी तरह से मैसी हो जाता है, पूरी तरह से बिखर जाता है और हमारा दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, बिल्कुल समझ नहीं आता कि हमें आखिरकार स्टार्ट कहाँ से करना है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी कि जब हम कहीं बाहर से आते हैं, कहीं ट्रिप से आते हैं या फिर किसी ना किसी वजह से हमारा घर एकदम से अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, तो बिल्कुल हमारा समझ ही नहीं आता है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। तो आज के वीडियो में यही सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा लिविंग रूम और मेरा डाइनिंग एरिया पूरी तरह से बिखरा हुआ है, तो मैंने सोचा चलो आज मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, आप लोगों को भी काफ़ी हेल्प इससे मिल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है आप उन सारी चीज़ों को इस रूम से बिल्कुल हटा दीजिए जो इस रूम से बिल्कुल भी बिलोंग्स नहीं करती हैं। जैसे कि ये मेरा हेयर ड्रायर था, जल्दबाजी में मैंने अपनी डॉटर के हेयर को ड्राई किया था तो मैंने बिल्कुल इसे यहीं छोड़ दिया था। तो ऐसी सारी चीज़ें सबसे पहले आप उस मैसी रूम से हटा दीजिए जो बिल्कुल भी उस रूम में नहीं रहती है, जिनको आप इस रूम में नहीं रखते हो लेकिन जल्दबाजी में या किसी रीज़न की वजह से आपने इस रूम में छोड़ दिया है। तो इन सारी चीज़ों को आप हटा दीजिए और इन सारी चीज़ों को हटाने में आपको 5 to 7 minutes लगते हैं, तो फटाफट से जो भी चीज़ें इस रूम में नहीं रहती थी कभी उनको हटा दीजिए। देन उसके बाद सेकंड स्टेप यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको सारा जो भी एरिया है उस एरिया का ड्राई डस्टिंग कर देना है। तो ये स्टेप भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिना डस्टिंग के अगर आप अपने घर को क्लीन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। डस्टिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो सेकंड स्टेप में आप अपने पूरे एरिया का ड्राई डस्टिंग कर दीजिए और जो जो चीज़ें इस रूम से बिलोंग करती है, जो जो चीज़ें आप इस रूम में रखते हो और जिस चीज़ों से इस रूम को आप ऑर्गेनाइज करते हो, वो सारी चीज़ें आप वापस से वहाँ पे लगा दीजिए। और फिर से ये इस काम को करने में आपको 5 to 10 minutes लगेगा। तो गाइज, ये जो पूरा ओवरऑल काम करने में जो मुझे टाइम लगा है वो बिल्कुल 30 to 40 minutes लगा है। और ये मेरा पूरा मैसी रूम मैंने लिटरली, गाइज मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, 30 minutes में बिल्कुल कंप्लीट कर दिया था। तो अगर हम चीज़ें बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचते हैं और स्टेप बाय स्टेप अगर चीज़ें फॉलो करते हैं तो चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती है और रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो देखिए, बिल्कुल लिविंग रूम यहाँ पर रेडी हो गया है, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे लग गई हैं। और अब मैं आ जाती हूँ थोड़ा सा अपने डाइनिंग एरिया के और लिविंग रूम के सेंटर में, जहाँ पे मेरा ये साइड बोर्ड रखा हुआ है। यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे फैली हुई हैं, तो सबसे पहले इस एरिया की भी वो सारी चीज़ें मैं हटा रही हूँ जो बिल्कुल यहाँ से बिलोंग नहीं करती हैं। गाइज, अगर आपके घर में बच्चे हैं या किसी न किसी रीज़न से अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल जाती है तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए बस हमें बहुत अच्छे ठंडे दिमाग से सोचना है, देन उसके बाद चीज़ें बिल्कुल फटाफट हो जाती है। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, इस वीडियो को बिल्कुल फॉलो कीजिए और कैसा भी मैसी रूम हो उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन कर पाएंगे, ऑर्गेनाइज कर पाएंगे।
तो इस तरह से साइडबोर्ड की सारी चीज़ों को मैंने हटा दिया है और इन सारी चीज़ों को हम कर देंगे डस्ट फ्री। डस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है। तो देखिए गाइज, मैंने पहले अपना लिविंग रूम उठाया, उसके बाद मैंने उसको फुल्ली क्लीन किया, ऑर्गेनाइज्ड किया। देन उसके बाद सेकंड पार्ट में मैंने उसका सेंटर वाला पार्ट उठाया और उसके साथ भी मैंने सेम चीज़ें की। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका हर काम वर्क करेगा, फिर चाहे वो क्लीनिंग से लेके हो या ऑर्गेनाइजेशन से लेके हो या डीक्लटरिंग से लेके। तो गाइस, सबसे पहले कोई भी काम को आप कर रहे हैं तो उसकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बारे में आपको अच्छे से एनालिसिस करके ही अगर आप काम करोगे तो आपके काम का रिजल्ट 101% ज़रूर आएगा। तो दोस्तों, साइड बोर्ड भी कुछ हद तक क्लीन हो गया है, ऑर्गेनाइज हो गया है और इन्हीं सब कामों के बीच में मुझे कुछ चीज़ें ऐसी भी मिली हैं जो बिल्कुल अभी यूज़ में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जब हम किसी रूम की क्लीनिंग करते हैं, किसी रूम को हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो बहुत सारे आइटम्स हमें ऐसे मिल जाते हैं जो हमारे अभी रीसेंट में काम नहीं आते, लेकिन फिर भी हम उन्हें इधर उधर रखते रहते हैं और वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है हमारे घर को मैसी बनाने का। तो मैंने सारी चीज़ों को कार्डबोर्ड में रख लिया था और कार्डबोर्ड को फिर मैं एक बेड में या किसी लॉफ्ट में अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूंगी, क्योंकि वो चीज़ें अभी मेरे बिल्कुल भी यूज़ की नहीं हैं। तो गाइज, इस तरह से अगर हम काम करते हैं तो काम हमारे बहुत अच्छी तरीके से हो जाते हैं। टीवी को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, तो देखिए ये कार्डबोर्ड रेडी हो गया है। इसको हम रख देंगे कुछ ऐसी जगह जहाँ पर हमें अभी बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है और जो सामान जहाँ पर होता है उसको हम वहीं पर रख देंगे। तो इस तरह से आपका कितना भी मैसी रूम हो, कितना भी फैला हुआ रूम हो, वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है। बस थोड़ा सा हमें सोचना है और काम हमें स्टार्ट कर देना है। तो प्लांट्स को भी अच्छे से डस्ट फ्री कर देंगे, जहाँ जहाँ पे हमें लगता है कि थोड़ी धूल ज़्यादा है तो वहाँ पे हम झाड़ू भी कर देंगे। तो इस तरह से रूम हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा। तो हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे रूम अच्छे से क्लीन हो गया है। अब बारी आती है डाइनिंग एरिया की। तो डाइनिंग एरिया मेरा इतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं था, पर फिर भी मैंने इसको अच्छे से डस्ट फ्री कर दिया है और जो रेगुलर वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज कर देंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और ये देखिए, मेरा पूरा लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया सारा कुछ अच्छे से क्लीन हो गया है, ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। और ये जो स्टूल आप देख रहे हो, इसको मैं रखती हूँ अपने टीवी यूनिट के नीचे, तो बिल्कुल मैं उसे वहाँ पे रख दूँगी और हमारा लिविंग एरिया बिल्कुल पहले जैसा हो गया है। तो गाइज, आपने पहले का क्लिप भी देखा और अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, जो कि मैंने अभी आप ही के सामने बिल्कुल 30 मिनट में ये सारी चीज़ों को कर दिया है। तो अगर आपके घर और आपके कोई रूम मैसी हो रहे हैं, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज है, तो बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं लीजिए, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए, आपका घर बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो होपफुली आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो देखते हुए थोड़ा सा भी मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और इस तरह के वीडियोस में अगर आपको इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। उससे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन, जो नए नए वीडियोस में अपलोड करती हूँ, वो सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे।
सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप एंजॉय दिस वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।